कतार है, ये बस की बहुत लंबी कतार है कई किलोमीटर तक, और सरकारी खर्चे पर सरकार के खजाने से ज़िले ज़िले की महिलाओं को ऐसे लाद कर लाया गया है, और जब उनसे बात करें तो उनका गुस्सा फूट पड़ता है। बहुत उम्मीद से ये सब आई थी और नाउम्मीद होकर बहुत सारी महिलाएं जा रही हैं। अब हम एक बार फिर से चलेंगे उसी जगह जहां से ये बसें खुल रही हैं। अब जैसे देखिए बदायूं की बस, ये बदायूं जा रही है, मथुरा जा रही है, मथुरा अमावा, ये सरकार के खजाने पर बोझ डालकर मछली शहर, गाजीपुर, और ये जो स्वयंसेवी समूहों में 1,000 करोड़ का फंड ट्रांसफर था, पैसा ट्रांसफर करना था, जो ऑनलाइन करना था वो ऑनलाइन हो सकता था, लेकिन चूंकि चुनाव का मौसम है, चुनाव में इसका फायदा उठाना है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इतना बड़ा तामझाम, प्रधानमंत्री मोदी की शान में इतना बड़ा तामझाम रचा गया, और ज़िले ज़िले से 25-25, 50-50, 100-100 बसों की रवानगी हुई। सरकार के खजाने से बसों को किराए पे लिया गया। कहाँ से हो? जौनपुर से। जौनपुर? मछली शहर। मछली शहर, चलिए पिंडरा, मछली शहर, जौनपुर। अब हम कतार बहुत लंबी है तो किसी और बस में चलने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। चलिए हम दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी बस में देख के चलो। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ से आए हो? कहाँ से, कौन से जिले? बनारस से। तो भाषण सुन लिया आप मोदी जी का? देखिए महिलाएं जरा आ जाओ। ये बस कहाँ जा रही है? मछली शहर। मछली शहर। कब चले थे आप लोग मछली शहर से? हम लोग चले थे 7:30 बजे आज सुबह। हाँ सर। आप क्या सोचते हो? ये देखिए बहुत सारी महिलाएं इधर बैठी हैं, जरा ये कंजस्टेड है। आप सब लोग भी मछली शहर से हो? हाँ। है? तो सबने भाषण सुना प्रधानमंत्री का आज? हाँ। क्या बोले प्रधानमंत्री? आवाज तो उनका बंद हो गई, कुछ सुनाता नहीं, 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 नहीं आवाज नहीं आ रही। अच्छा, सुना ही नहीं, इतना दूर से आए? नहीं आया, हम लोग तो चले आए। चले आए? अब तो जा भी रहे हो आप यहाँ से, तो अब 2 महीने बाद चुनाव है यूपी में, तो क्या सोचते हो आप, किसकी सरकार आपको लगता है बननी चाहिए? जो सबको देगा सरकार वही हम सब देंगे। क्या नाम है आपका? गेना देवी। आपका नाम बताओ, क्या है नाम? तो सब आधार कार्ड पे नाम होगा, योजना पे नाम होगा, उसमें हमारा सुनीता नाम है। सुनीता है तो, और सुनीता नाम है तो नाम बतावे में क्या दिक्कत है? तो ये बताओ कि नहीं, जो सबको देंगे उसको समझ में नहीं आया, कौन किसको? अरे मोदी के दे भाई, क्यों मोदी थोड़े चुनाव लड़ रहे? यूपी में तो योगी का चुनाव है, अखिलेश यादव है। हाँ, अखिलेश यादव है, मायावती है, तो किसके? हम तो सबई भी खड़ा है, जब कोई सहारा दे के हो तब ना मंत्री लोग सहारा नहीं दे रहा, का देते हैं ना? दुनिया में आवास दे ना, हमारे सब लिए ना जमीन, न घर, न द्वार, कुछ न मिले तो हम सब का जाने? तो कोई सहारा नहीं यहाँ तो? कुछ नहीं, नहीं का मिलता, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ तो प्रधानमंत्री आज इतना बोले कि बहुत कुछ महिलाओं को मिल रहा है, स्वयं सेवी समूह में 1,000 करोड़ ट्रांसफर हो रहा है, हमें तो कुछ नहीं मिला। नहीं हुआ, नहीं हुआ। आप लोग स्वयं सेवी समूह से जुड़े हो? हाँ, समूह से जुड़े हैं। आप लोगों को कुछ नहीं मिला? नहीं, नहीं मिलता। अच्छा, 9-10 महीना जैसे हुई, 9-10 महीने से कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। आप कहाँ से? आप भी मछली शहर? हाँ, मछली शहर से। कौन से ब्लॉक? मछली शहर से। ब्लॉक कोई होगा ना? मछली शहर है। अच्छा, मछली शहर। तो कुछ नहीं मिला तो फिर यहाँ से हताश होके जा रहे हो? क्यों नहीं जाए, जब कुछ नहीं मिला पहले भी नहीं दिया नया, आप तो माने मनाई आए रहे उनके ओथा में। हाँ। लेकिन पहले भी ना कुछ दिए, मनाई बहुत कुछ जे करे रहा ते करे दिए, जेके ना रहते के ना दिए कुछ। अच्छा, हमारा सब आदमी है, हम सब को तो देना चाहिए ना सरकार को। तो आपको सरकार मतलब क्या नहीं दे रही है, क्या चाहिए? क्या देना, क्या दिया? नहीं, कभी नहीं वो दिया, वो आवास वास नहीं दिया, और समूह में हम लोग जुड़े हैं वो भी नहीं दे रहे हैं।
तो ये तो कह रहे हैं बहुतों को सखी जो है उनको 4,000 रुपया महीना मिल नहीं आता। देखो साल भर हो गया, साल भर हो गए ये सब ड्यूटी करे के कुछ नहीं मिला ये लोग के। अच्छा, पोषाहार वाले नहीं, पोषाहार से हम सब जैसे काम कर रहे हैं ना, साल भर हो गया एको पैसा ना मिला। पोषाहार योजना में काम कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, एको पैसा नहीं मिला? एको पैसा नहीं मिला। आपको भी नहीं मिला? आपको भी नहीं मिला? सचू भी है हम, सचू है हम, सचिव पोषाहार योजना में कुछ नहीं मिला। एको पैसा नहीं मिला? आपको भी नहीं मिला? आपको भी नहीं मिला? आपको भी नहीं मिला? क्या नाम है आपका? शकुंतला। आपका? सुमारी। अब ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 महिला यहाँ बैठी हैं। पोषाहार योजना से सब जुड़े हो या किसी और योजना? हाँ, एक मिनट, ये कह रही हैं इनको कुछ नहीं मिला सरकार से, और आज यहाँ प्रधानमंत्री का भाषण सुनने आई थी और वहाँ माइक भी खराब हो गया, भाषण भी नहीं सुन पाई। हाँ, नहीं निकला, क्यों नहीं? आवाज भी नहीं निकला प्रधानमंत्री के। तो आप क्या सोच के आए थे जो हुआ नहीं और यहाँ से लौटना पड़ रहा है? बहुत कुछ मांगे हम सब चले गए तो प्रधानमंत्री देंगे, हमें सबके सहारा देंगे, कुछ नहीं, उसका आवाज ही नहीं आ रहा है। आवाज तो नहीं आ रही। हाँ। प्रधानमंत्री तो 1,000 करोड़ आज ट्रांसफर किए हैं, उसमें स्वयंसेवी संस्थाओं के उसमें बोला है उन्होंने। कोई नहीं देता, सब कहा था झूठ बोला था, क्यों खाता नायब जिक्र माही जानी साल ले तुम ले ले, सब मंत्री लोग यही कहा था, सेक्रेटरी लोग यही कहा था, सब कहा था। तो आपके हिसाब से प्रधानमंत्री झूठे बोल दिया आज योगी प्रधानमंत्री? हाँ, सब हाँ, सब बोला था कि झूठ बोल रहा था, ना ही आए पैसा, ना ही देगी, बिना आए। लेकिन इतना बोल रहे 1,000 करोड़ दिया और मातृत्व योजना में भी दिया, कुछ ना दिया है। देख लो आधार कार्ड में कितना पैसा आया, आधार कार्ड भी लेकर आए साथ में, देख लीजिए आप सब। तो ये बताओ, आप 8 महिलाएं बैठी हैं और ये बस मछली शहर की है, ये सरकार प्राइवेट बस है ना, लेकिन सरकार के खर्चे पे बुक होके आई है। हाँ, बुक होके। ये ऐसी सैकड़ों बसें अलग अलग ज़िलों से, यूपी के अलग अलग ज़िलों से कम 15 जिलों की बसें तो मैंने देखी है, ऐसे सरकारी और गैर सरकारी दोनों बसें आई हैं जो सरकार के खर्चे पर आई है, और उसमें ऐसी महिलाएं जो स्वयंसेवी समूहों से जुड़ी हुई महिलाएं और महिला संबंधित जो सरकार के कार्यक्रम हैं, पोषाहार योजना और बाकी मातृत्व योजना, उससे जुड़ी महिलाएं भी हैं, और भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होगी जो उससे डायरेक्ट ना जुड़ी हो, उनको भी लाया गया होगा। नहीं, हम सब जुड़ी है, पोषाहार काम करते हैं। पैसा दिया समूह में दिया पैसा, वो भी हम सब निकाले, लेकिन वो सूत लेते हैं, भराते हैं 15 दिन में, महीना में, तब भी लोग चिल्लाएंगे कि नहीं भरे नहीं भरे। तो ये दिन कम हो जाए, मना की लेट हो जाए, जिससे मजदूर मनाई है ना, तो ओका बिना यही कहीं फाइन लागी। अब ये महिलाएं आई हैं, यहाँ से लौट रही हैं, और जहाँ मैं हूँ बाहर की तस्वीर एक बार दिखाओ, यहाँ भी ऐसे ऐसे 50 बसें अभी हैं, और ये संगम पास में ही है ना, पास में ही है जहाँ प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम था, और कार्यक्रम खत्म करके प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से जा चुके हैं। अब जो महिलाएं आई थी, क्या बहुत शुभ साहब भरावत है, ब्याज बहुत लेता है, 25,000 के 14 से 50 लेते हैं ब्याज। अच्छा। हाँ, और 60,000 के 14 से 50 लेते हैं ब्याज। हफ्ता वाला 500 रुपया हफ्ता लेता है। इसके अलावा सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, और क्या क्या योजना से आप लोगों को फायदा हुआ, क्या क्या कुछ योजना ना मिला, फायदा कहाँ जाने, कौन योजना है? वो राशन कार्ड देते हैं महीना में एक बार, छूट देते हैं एक बार 15 दिन में पैसा लेते हैं, ये 15 दिन एक महीने में 2 बार मिलता है राशन, तो एक यूनिट पे जैसे 34 किलो पैसा के देते हैं, और 15 किलो जो एक मनई के पाँच उसका नहीं लेते हैं, और जो ज्यादा पैसा वाला है वो तो पैसा के लेते हैं, देते हैं। जैसे 7 परिवार 8 परिवार हैं, तो एक यूनिट काट लेते हैं तो एक आदमी का खाए। अच्छा, ये बताओ, एक तो ये बता रहे हो कि एक यूनिट काट लेते, कौन काट लेता है, राशन वाला? हाँ, कोटेदार। तो गड़बड़ करता है ना वो? हाँ। तो आप लोग शिकायत नहीं करते हो वहाँ? शिकायत करा तो ओका भी झगड़ा करे ही, और जाए आने छाट छाट बनिया के दे ही, बढ़िया बढ़िया जो खराब रहे वो पब्लिक के दे ही, तो खराब। अच्छा, का पब्लिक खराब बना राशन वाला दे देता। हाँ। तो लेकिन राशन मिलता है? मिले तो हुए छठा बटा दे ही। अच्छा, आप लोग के में 2 बार मिलता है? मिलता है, लेकिन वो करे एक यूनिट काट लेता है। हाँ, ये करे खराब राशन भी मिलता है? तो जो मिलता है सबके मिलता है, और ब्लैक कह दे अगर मनाई जो था पब्लिक बांटे के बाद बचे ये बचा तो गेहूँ दे दे, नहीं चावल संबंध मनाई चावल हमने ओके भी झगड़ा कर लिया। तो ये बताओ, और जो सरकार की योजना है जैसे शौचालय है,
शौचालय मिला। आपको क्यों नहीं मिला? हम लोग को मिला शौचालय। आपको मिला, आपको क्यों नहीं मिला? हमारा न शौचालय मिला न कॉलोनी, हमारे सबके घर ना मरे धेम से है। अच्छा, जेकरे बा ओका सरकार देत, जेकरे ना ओका सरकार ना देत। अच्छा, तो आप बड़ा आयुष्मान भारत कार्ड वार्ड सब है आप लोग को? सब कुछ है, हमारे सबको तो घर ना जमीन ना, लेकिन हमसे वे बाटी जो थोड़ बहुत बत मड़ाई डाल वो ना हमें सरकार घर दुआर देते हैं बनाई के रहने में। नहीं बताओ, आप नाम बताओ। सुनीता बताया आपने? नहीं, दखनिया। आपने बताया? दखनिया हमारा नाम। अच्छा, तो जो सोच के आए थे यहाँ, क्या सोच के आए थे यहाँ? बहुत कुछ सोच के आए, लेकिन कुछ नहीं। क्या सोच के आए थे? बहुत की सरकार चलता है वहाँ कुछ भी कुछ सुविधा देवे के। कौन कह के आपको, क्या लाया था, कौन लाया था यहाँ आपको? सफाई करने वाले सब बुलाए आए हमसे। सफाई करने बुलाए सब बुलाए। आपके गांव से ऐसे कितने बस में लोग आए आपके? 45 आदमी इस बस में। हाँ। लेकिन और भी बहुत बस मकली शहर से आए। हाँ, हाँ। चलिए, तो ऐसे अलग अलग बसों में जरा महिलाओं से बात करते हैं। और ये सारी महिलाएं अब लौट रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। अब ये बसों में महिलाओं की रवानगी है, जो कुछ बसें, सैकड़ों बसें, बल्कि कल सुबह भी चली अलग अलग, जो दूर है वो कल सुबह चली, रात में कहीं स्कूल में, सरकारी स्कूलों में इन लोगों ने रात गुजारी और उसके बाद फिर आज कार्यक्रम के हिसाब से यहाँ आए। और बसों की लंबी कतार है, जाम भी है। आप लोग कहाँ से हो? अमावा से। जिला राय बरेली। अच्छा, राय बरेली से है। तो इस बस में कितनी महिलाएं हैं? 40-50। तो जी। मोदी जी का भाषण सुने? हाँ, सुना जी। तो क्या मिला भाषण से, कुछ फायदा हुआ? फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? राशन मिलती है और सब कुछ तो मिलता ही है। का फायदा हुआ कुछ? हाँ, फायदा कहने हुआ सर। अच्छा, फायदा कहे नहीं, गरीब आदमी तो बहुत फायदा है। बहुत फायदा है क्या? जैसे बताओ। फायदा है कि राशन फिर मिलता है। बाबू जी, राशन कार्ड नहीं है? नहीं है, नहीं पिल्सिन मिलती है बाबू जी। तो अभी आप बोल रहे हो बहुत फायदा हुआ, फिर आप क्या करिए, क्या बताए? जो साफ साफ बताओ ना, डरते क्यों? हम तो रिपोर्टर हैं, जो मर्जी जो आप बताओ, बात सरकार तक जानी चाहिए ना आपको। जो नहीं, हमारी राशन कार्ड नहीं है, हमारा विधवा पिल्सिन नहीं है। पेंशन नहीं मिलता? नहीं मिलती। पेंशन मिलता? मर्तबा लिखा दिया गया, पता नहीं मतलब। हाँ, के मर चुकी हैं, पता नहीं कौन से लिखा दिया। आप जिंदा हो और आपके बारे में लिख दिया मर चुकी है, तो आप जाओ बीडीओ ऑफिस और सीओ ऑफिस और डीएम ऑफिस। गए तो जांच कोई मुर्दा बना दिया है? हाँ, ऐसे कोई कैसे लिखा देगा, पता नहीं। अब जब कौन जिला रायबरेली बताया, गांव कौन सा है? रसेता। ये रायबरेली जिले की रहने वाली है और ये कह रही है, नाम क्या है? कमला देवी। कहने जिंदा है लेकिन इनको मुर्दा बता दिया है और इनको पेंशन नहीं मिल रहा है। तो रायबरेली के डीएम तक ये वीडियो पहुंचे और मैं अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि इनके केस को स्पेशली देखा जाए कि एक गरीब महिला अगर इस तरह से। कब से आपको मुर्दा बता दिया? 2-3 साल नहीं रहे बाबूजी, कर्जा बहुत रहा मेरे पास। हाँ। हाँ, कर्जा रहा तो कर्जा के मारे मैं चली गई। हाँ। तो उन्हें कहा कि दूसरी शादी कर लिया, दूसरी शादी नहीं किया, वो भी बता दिया। अच्छा, गलत। हाँ? गलत बता दिया। हाँ? कहाँ चली गई थी आप? फतेहपुर जिला में रही हूँ। रही तुम बीच में कहीं घूम रही, इसलिए ऐसा बोल दिया ना। हाँ। तो आप लोग सबको कुछ मिला मोदी जी के भाषण से, सुनने से, या ऐसे ही खाली हाथ जा रहे हो? जो सोच के आए कुछ नहीं हुआ, हुआ तो बताओ। खाली भाषण सुने, कुछ मिला भी? मिला कुछ नहीं। जो महिला जिस उम्मीद में महिलाएं आई होंगी वो हम समझना चाह रहे हैं, या आई क्या उम्मीद में और किस आए? हमको गैस भी नहीं मिली, हमको कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं। नान नान लड़के बच्चे है। हाँ। खेती भी नहीं, रोज मजूरी ना करे तो भूखे मर जाए। हाँ, जाती हूँ तो खाती हूँ, नहीं नहीं खाती। यहाँ मोदी के पास आए थे। कौन लेके आया? प्रधान ने भेजा। अच्छा, प्रधान ने भेजा। ऐसे ही बसें आई है जो सरकार के खर्चे पर आई है, प्राइवेट? नहीं नहीं नहीं, सरकारी में आए। नहीं नहीं, सरकारी में आपको, आप नहीं समझोगे, हम उधर बताने के लिए कर रहे हैं। जो बसें हैं सरकार के खर्चे से बुक होकर बसें आए, सबकी अपनी अपनी मुश्किलें उसके बाद भी है।